हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपके लिए ये पोंचो लेके आई हूँ। ये देखिए, इसके लिए ये बहुत ही सिंपल है बनाना। ये मैंने सिंपल, बिल्कुल सिंपल बनाया है, सीधी और उल्टी सिलाइयों से। इसके लिए मैंने नीचे से 54 फंदे लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे नेक है, ये नेक से शुरू होता है और नीचे की तरफ आता है। ये देखिए, 54 फंदे मैंने डिज़ाइनर बॉर्डर डाला है, इसमें डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। चलिए आइए बनाते हैं। ये 54 फंदे मैंने डाले हैं और एक सिलाई मैंने उल्टी करी है। उसके बाद क्या करना है, हमने उल्टी उल्टी दो सिलाइयाँ और डालनी है ऐसे। ये नॉर्मल मैंने ऊन ली है और 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है मैंने, क्योंकि जितनी पतली हमारी ऊन होगी, अगर हमारी ऊन पतली है तो मोटी सिलाइयाँ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा ढीला बनता है और थोड़ा हल्का होता है। ये दो सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी डाल के आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो लाइनें डाल ली हैं, चार सिलाइयाँ डाली हैं हमने उल्टी उल्टी, एक और दो। ये दो लाइन बनती है चार सिलाइयों से। इसके बाद हमने क्या करना है, ये एक फंदा एज स्टिच है, ये ऐसे लिया और एक ऐसे, दो ऐसे बनाने हैं सीधे, धागे को आगे करना है और हमने दो का एक करना है यहाँ पे ऐसे। फिर से एक फंदा ऐसे ही बनाना है सीधा, फिर से धागा आगे करना है, फिर से दो का एक करना है, फिर से एक फंदा उसके बाद सीधा, फिर से धागा आगे किया और दो का हमने एक बनाया। ये देखिए, ये हमारी जाली बन रही है, इसमें हम डोरी डालेंगे। एक फंदा सीधा लिया, इसके बाद दो का एक किया, एक फंदा सीधा बनाना है ऐसे ही और धागा आगे करके दो का हमने एक बनाना है, फिर से एक सीधा ऐसे ही करके हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। और इस देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई के एंड में हैं, ये दो का हमने एक बनाना है और यहाँ पे भी जाली डालनी है और ये हमारा एक फंदा ऐसे ही आ गया। और उल्टी साइड है हमारी, ये एक सिलाई हमने सारी उल्टी की उल्टी ही करनी है। ये देखिए ऐसे, ये जाली वाला फंदा भी ऐसे बनाना है, ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। और उसके बाद हमारी दो सिलाइयाँ, दो लाइनें ऐसी और आएंगी, चार सिलाइयाँ मतलब की उल्टी उल्टी हमारी और डलेंगी। इसके बाद ये हमारा नेक का बॉर्डर है, इसमें 10 सिलाइयाँ हमारी, 10 सिलाइयाँ पड़ेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जाली डली है और ये हमारी जाली डल चुकी है, ये देखिए। इसके बाद हमने ये दो लाइन और डालनी है और इसके बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये हमारी जाली बन के तैयार है, इसमें हम डोरी डालेंगे और इसके बाद हमने दो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, चार सिलाइयाँ हमने दो सिलाइयाँ उल्टी और दो सीधी सिलाइयाँ और डालनी है, मतलब कि चार सिलाइयाँ हमारी आएंगी। ये जो दो लाइनें बनती हैं वो चार सिलाइयों से बनेंगी, दो चार सिलाइयाँ हमारी ये और दो ये, चार और दो छः और चार सिलाइयाँ हमारी ऊपर आएंगी, कुल मिला के हमारी 10 सिलाइयाँ बनेंगी। ये बॉर्डर का पैटर्न है, बॉर्डर का हिस्सा है, इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दूसरे कलर का धागा लगा करके
हमने 26 फंदे हमने इधर लेने हैं क्योंकि हमारे पास 54 फंदे हैं, 26 फंदे इधर लेने हैं और 26 फंदे हमें इधर लेने हैं, और बीच में जो दो फंदे हैं इनमें हमने जाली डालनी है धागे को आगे करके, एक और ये दो, दो में जाली डाल गई, धागे को फिर से आगे किया और बाकी फंदे हमने जो सीधे बनाने हैं। ये सारी सिलाई हमने, सारे फंदे 26 फंदे हमने इधर बनाने हैं। ये बीच में जाली की मदद से हमारा एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ता जाएगा और हमारा पोंचू बनता जाएगा। ये देखिए अभी अब हमारी रॉन्ग साइड है जहाँ पे हमने ये सारी सिलाई उल्टी डालनी है। देखिए फ्रेंड्स पहले हमारे पास 26 फंदे थे, अभी दूसरी सीधी सिलाई पड़ रही है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, ये जो जाली वाला फंदा हमने बनाया था जो 27 फंदे हमारे पास एक हो इधर हो गए, और हमें यहाँ पे फिर से जाली डालनी है धागे को आगे करके, ये एक और ये दूसरा, अभी ये वाला फंदा हमारा इधर जाएगा और यहाँ पे इसके आगे जाली डलेगी, ये ऐसे एक एक फंदा जाली की सहायता से हमारा बढ़ता ही जाएगा। अभी 26 फंदे हैं थे पहले, अभी 27 है, इसके आगे 28 होंगे, एक एक फंदा एक इधर और एक इस तरफ, दोनों साइड में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा जाली की मदद से। ये सारी बाकी सिलाई हमारी सीधी आएगी और इसके बाद एक सिलाई फिर से उल्टी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चार सिलाइयाँ डाल चुकी हैं, एक दो और तीन, ये चौथी सिलाई है। इसके बाद हमने क्या करना है, दो सिलाइयाँ हमने सीधी और दो उल्टी डाल के चार सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डालनी हैं, ये ऐसे ऐसे हमारी डलेंगी, ये दो सिलाइयाँ हमारी ऐसे ही आएंगी, ये हमने सीधी तरफ से भी उल्टी डालनी है और उल्टी तरफ से भी हमारी उल्टी आएगी, उल्टी तरफ से हमारी सीधी आएगी और सीधी तरफ से हमारी उल्टी आएगी। ये हमारे पास 27 फंदे थे, ये देखिए ये कैसे बनाना है, ये हमने उल्टा बना लिया, धागे को आगे ही रहने देना है, ये दो फंदे जो हमारे बीच वाले हैं जाली के बीच वाले इन्हें हमने सीधा ही बनाना है, इन्हें हमने उल्टा नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है, इन्हें हमने ऐसे ही बनाना है, धागे को आगे ही रहने देना है और सीधे बना लिए दो, धागे को पीछे ही रखना है। इसे कैसे करना है, ये देखिए ऐसे एक बार और ऐसे सिलाई की और चारों तरफ ऐसे घुमा के ऐसे, और इसको हमने उल्टा बनाना है फंदे को, और बाकी सारी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। ये 10 रोज की हमारी जो बॉर्डर है और 6 रोज का हमारा जो ये आगे वाला डिजाइन है, 6 रोज इसकी डलेंगी और 6 रोज ही इस कलर की डलेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, रॉन्ग साइड में हमने सीधी सिलाई करनी है, यहाँ से ये दूसरी सिलाई हमारी सीधी आएगी, और जो बीच वाले दो फंदे हैं हमारे जाली वाले वो उल्टे करने हैं, बाकी सिलाई हमारी सारी सीधी आएगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बना के, ये देखिए ये हमारा जाली वाला जो फंदा है, ये और दो बीच वाले और एक ये जाली वाला, इन्हें चार फंदों को हमें उल्टा बनाना है ऐसे धागे को आगे करके, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमारे उल्टे आ गए, बाकी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड है, बाकी सिलाई हमारी सारी सीधी आएगी।
ये देखिए जी, ऐसे हमारे बनेंगी दो लाइनें हमारी जो उल्टी उल्टी बनेंगी। सीधी तरफ से हमें उल्टी सिलाई डालनी है और उल्टी तरफ से हमें यह सीधी सिलाई डालनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन डाल चुका है और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। ऐसे ही करके हमने ये आगे ब्लू कलर का धागा स्टार्ट करना है इसके आगे। ऐसे ही करके आप जितनी लंबाई आपको पोंचू की चाहिए उतना आप बना लीजिए। मैं आपको सारा कंप्लीट करके मैं फिर से दिखाऊंगी। यही वाला पैटर्न आगे के आगे चलेगा। ऐसे ही करके आप ये दूसरा कलर, यहाँ पे अब दूसरा कलर स्टार्ट होगा। उसके बाद 6 सिलाइयाँ हमारी इसकी डलनी है, डलेंगी इसकी ये ब्लू कलर की डलेंगी, उसके बाद हमारी ये पिंक कलर की डलेंगी 6। ऐसे ही करके हमने ये सारा पोंचू कंप्लीट करना है। ये मैं सारा कंप्लीट करके आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसे बाइंड ऑफ करना है। ये देखिए, ये हमारी कितनी सिलाइयाँ पड़ी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 लाइनें हमारी जब ब्लू कलर की डली हैं। इसके बाद में नेक के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 लाइनें हमारी ये पिंक कलर की डली हैं। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकती हैं, आप चाहें तो इसे घटा भी सकती हैं। ये आपके लंबाई के अकॉर्डिंग जितना भी रखना हो उतना आप बढ़ा घटा लीजिए इसे। अभी हमें इसे बाइंड ऑफ करना है। चलिए मैं आपको ये सारी एक सिलाई में फंदे डाल के फिर मैं बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 का 1 किया, इसको आगे वाले के साथ मिलाया, फिर से 2 का 1, फिर से इसका 2 का 1, इसको ऐसे किया। ये एक एक फंदा हमने आगे से लेते हुए जाना है और पीछे वाले के साथ, और इसको बाइंड ऑफ करते जाना है। ऐसे ही करके ये सारा हम बंद करके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ऐसे ही करके आप सारा बंद कर लीजिए, मैं आपको सारा बंद करके फिर से दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सारा बन के कंप्लीट हो चुका है। ये हम सिलाई के एंड में है, यहाँ से हमने ये बाइंड ऑफ किया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद हमने ये सिलना है। ऐसे ही हमारा ये बैक पोर्शन बनेगा, बैक पार्ट बनेगा इसका, सेम टू सेम ऐसे ही। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा हुआ है। इसको हम ऐसे इसके साथ मिला करके यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये देखिए, इसको बड़े ध्यान से सिलना है फ्रेंड्स। ये जो धारियाँ हैं, ये पिंक की पिंक के साथ मिलनी चाहिए और ब्लू की ब्लू के साथ मिलनी चाहिए। चाहे तो आप ऊपर से स्टार्ट कीजिए सिलना, चाहे नीचे से। ये देखिए, यहाँ से सिलाई करते हैं। ये बड़े ध्यान से सिलना पड़ेगा क्योंकि हमारी धारियां एक जैसी आनी चाहिए, दोनों मिलनी चाहिए। ऐसे ही आप सिलते जाइए सारा, और बीच बीच में सीधी तरफ से देखते जाइए कि हमारी धारियां मिल रही हैं या नहीं। इन दोनों धारियों को हमें साथ में मिलाना है। जो पिंक के साथ पिंक मिलनी चाहिए और ब्लू के साथ हमारी ब्लू मिलनी चाहिए। ऐसे ये
ये सारा सिल के मैं एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी हमें सिलना है यहाँ से यहाँ तक। ये मैं सिल के आपको फिर से दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों तरफ से सिल के तैयार हो चुका है। इधर से भी हमने सिलाई लगा ली है इसको और इधर से भी। ये हमारा पोंचू तैयार है। ये हमने डोरी डाल के ये पोम पोम बना लिए हैं। अब क्या करना है, नीचे से इसे ये देखिए क्रोशिए के साथ हमने जब बीडिंग करके इसको लटकन लगाने हैं। ये देखिए कैसे करनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप कैसे भी करके लटकन लगा लीजिए। ये आपको ये यहाँ से हमने ये स्टिच से हमने यहाँ से जॉइंट करना है इसको ऐसे, 1, 2, 3 तीन चेन बना के हमने इसको देख लेना है। इसके बराबर में हमने यहाँ से ऐसे करना है, इसे फिर से 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से इसी जगह में से हमने यहाँ जॉइंट करना है इसको ऐसे, फिर से 1, 2 और ये 3 और 3 आगे करके ऐसे ऐसे ही करके हमने ये सारी बीडिंग बना लेनी है। इसमें हमने फिर लटकन लगाने हैं। चाहे तो आप पोम पोम बना कर लगा लीजिए जैसी आपकी इच्छा है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से हमें इसी जगह में से ऐसे इसे जॉइंट करना है, 1, 2, 3। एक दो तीन चार पाँच ऐसे ही करके आप सारा कर लीजिए। मैं आपको सारा करके बताऊंगी, फिर से दिखाती हूँ सारा कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी बीडिंग हो चुकी है ये चारों तरफ। अभी हमें क्या करना है, इसको लटकन लगाने हैं इसमें। ये देखिए, ये मैंने 6 धागे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 धागों को हमने ऐसे करके इस हर एक जो बीडिंग की हुई है हमने इसमें से ऐसे निकालना है। ये देखिए ऐसे निकाल के इसको ऐसे करके आप जितनी भी लंबाई लेना चाहते हैं, ये देखिए ऐसे डबल करके इसको यहाँ से इसको बांध देना है अलग धागा लगाकर। इसको ऐसे इसकी चारों तरफ घुमा के धागे को यहाँ पे एक नोट लगा देना है। ये देखिए ऐसे ये नोट लगा दिया। एक बार और इसको पक्का कर देते हैं। ये देखिए ऐसे इसको नोट लगा करके यहाँ से हमने जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं रख के यहाँ से काट देंगे। ऐसे ही करके एक एक करके आप ये सारा बना लीजिए। ये देखिए ये ऐसे ऐसे ही करके आप ये हर एक जो हमारी ये बीडिंग है इसमें से हम ऐसे ही निकालते हुए ये ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लगेगा। बाद में इसको एक जैसा करके यहाँ से कटिंग कर देंगे। जितना भी आप लंबाई रखनी चाहते हैं इसकी लटकन की, आप यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए ऐसे बनेगा, ये बहुत ही सुंदर बन के दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा पोंचू पूरा ही बन के तैयार है। ये हमारे लटकन रह गए हैं अभी सारे, मैंने इतने से बनाए हैं। ये देखिए ये मैंने इतने से बना लिए हैं और ये मैंने डोरी बनाई है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं इसे। ये देखिए आप भी ऐसा बनाइए
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. प्लीज़, थैंक यू.